रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाउ डू यू डू स्टूडेंट्स, होप यू विल बी फाइन इन द बेस्ट कंडीशन ऑफ हेल्थ एंड ईमान। वेलकम टू दार अरकम स्कूल। आज का जो हमारा लेक्चर नंबर है वो है 70, और जो हम लोगों ने पढ़ना है वो क्या है, बुक पेज 32 एंड 33। ये आपका न्यू यूनिट है जिसका नाम है एनिमल्स। क्या है यूनिट नेम? एनिमल्स। तो आज हम लोगों ने पहले इसकी इन दो पेजेस की रीडिंग करनी है, और हम लोगों ने रीडिंग करने के बाद देखना है कि हम लोग किस काबिल हो गए हैं, कि हमें कुछ समझ आई है या नहीं आई। ठीक है, तो आप लोग शाबाश अपनी जल्दी से बुक ओपन करें। बुक पेज नंबर क्या है बताएं? शाबाश, 32 एंड 33। तो हम लोगों ने पहले कौन सा पढ़ना है? 32। आपका यूनिट नेम क्या है? एनिमल्स। तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे, रिकॉल जिसको हम लोगों ने करना है। एनिमल्स आर ऑफ डिफरेंट साइजेस, यानी कि एनिमल्स जो हैं वो मुख्तलिफ साइज़ के हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, छोटे कद के भी हो सकते हैं और बड़े कद के भी। जैसे कि कैट क्या है, वो साइज़ में स्मॉल है, लेकिन एलिफेंट क्या है, वो भी लार्ज है, और कैमल क्या है, वो भी लार्ज है। तो इस तरह से ये क्या है, इनके डिफरेंट साइज़। उसके बाद है एनिमल्स ब्रेथ मूव ईट एंड ड्रिंक, यानी कि एनिमल्स जो हैं वो सांस लेते हैं, एक जगह से दूसरी जगह हरकत करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, दे रिप्रोड्यूस एंड डाई, वो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होते हैं और मरते हैं। ठीक है, एनिमल्स कैन बी डोमेस्टिक और वाइल्ड। अब क्या है कि एनिमल्स जो हैं वो घरेलू भी हो सकते हैं और जंगली भी हो सकते हैं। वो किस तरह से? कुछ जानवर हम लोगों ने अपने घरों में भी रखे होते हैं, तो वो क्या है हमारे लिए? डोमेस्टिक। और जो जंगल में रहते हैं वो क्या है? वाइल्ड। ठीक है, तो जैसे जंगल, हम लोगों ने घरों में कौन कौन से जानवर रखे होते हैं शाबाश बताएं? कैट है, डॉग्स भी रख लेते हैं, और काउज, बफलोज, ये सारे क्या हैं हम लोगों ने अपने घरों में रखी होती हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सम एनिमल्स फाइंड अ होम, अदर्स बिल्ड देयर ओन होम। कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, वो घर तलाश करते हैं, यानी कि कोई जगह, कोई पनाहगाह तलाश करते हैं, वहाँ रहना शुरू कर देते हैं, और कुछ जो हैं वो अपना घर खुद बनाते हैं। जैसे कि बर्ड्स हैं, वो अपना क्या बनाते हैं? नेस्ट बनाते हैं, नेस्ट बना के उनमें रहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है? इंसेक्ट्स आर स्मॉल क्रिएचर्स विद 6 लेग्स। अब हम लोगों ने क्या देखा कि एनिमल्स की लेग्स कितनी होती हैं? 4 होती हैं, लेकिन जो हमारे पास अब इंसेक्ट्स की नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, इंसेक्ट्स उनकी लेग्स कितनी होती हैं? 6 लेग्स। तो आइए हम लोग इसको रीड करते हैं। ठीक है, फर्स्ट पे क्या है? मैनी एनिमल्स लिव ऑन द अर्थ, के ज़मीन पर बहुत सारे जानवर रहते हैं। सम लिव ऑन लैंड, कुछ जो हैं वो ज़मीन पर रहते हैं। एंड सम लाइक फ़िश, इनके फ़िश एक ऐसा जानवर है जो कि लिव इन वाटर, यानी कि पानी के अंदर रहता है। ठीक है, सम इंसेक्ट्स लिव इन द ग्रास, लेकिन कुछ इंसेक्ट्स की बारी आ गई अब कि इंसेक्ट्स कहाँ रहते हैं? ग्रास पे रहते हैं। एंड मैनी कैन फ्लाई, और बहुत सारे जो हैं वो उड़ सकते हैं। ठीक है, बर्ड्स मेक द नेस्ट इन ट्रीज, के परिंदे क्या करते हैं? अपना घोंसला बनाते हैं, कहाँ? दरख्तों में, और वहाँ पर रहते हैं वो। एनिमल्स लिव इन डिफरेंट प्लेसेस एंड इन डिफरेंट वेज, क्या है इस लाइन में कि एनिमल्स यानी कि जानवर जो हैं वो मुख्तलिफ जगहों पर रहते हैं और मुख्तलिफ तरीक़ों से रहते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ जगहों पर और मुख्तलिफ तरीक़ों से। स्पेशल बॉडी पार्ट्स, अब क्या है कि कुछ जानवरों के बहुत ही स्पेशल पार्ट्स होते हैं। अब वो देखते हैं कि वो उनका किरदार क्या है, उनका रोल क्या है, कि वो स्पेशल पार्ट्स उनके किस तरह से उनकी ज़िंदगी में अहम किरदार अदा करते हैं। ठीक है, एनिमल्स हैव डिफरेंट बॉडी पार्ट्स टू हेल्प देम लिव, फाइंड फूड एंड मूव, यानी कि जो एनिमल्स हैं उनके कुछ बॉडी पार्ट्स हैं, उनमें उनको रहने के लिए, उन रहने में उनका मदद, उनकी मदद करते हैं, खुराक तलाश करने के लिए उनकी मदद करते हैं, और मूव यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उनकी मदद करते हैं। ठीक है, आगे हम लोग इसकी तफसील पढ़ेंगे। आगे क्या है? बर्ड्स हैव विंग्स टू फ्लाई, अब परिंदों के पास क्या होते हैं? विंग्स होते हैं जिनकी मदद से वो उड़ते हैं। दे हैव बीक्स टू कैच वर्म्स एंड ईट ग्रेन्स एंड सीड्स, अब उनकी चूँच होती है, आपको पता है ना परिंदों की मोस्टली चूँच होती है जिसके ज़रिए वो खाते हैं, तो क्या कहते हैं कि वो चूँच के ज़रिए दूसरे वर्म्स यानी कि कीड़े मकोड़ों को अपना शिकार कर बनाते हैं और खाते हैं, और सीड्स वगैरह जो कि ज़मीनों से भी वो खाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट पेज क्या है? 33। तो यहाँ पर कुछ एनिमल्स के स्पेशल पार्ट्स बताए हुए उन्होंने। डक्स हैं एंड फ्रॉग्स, डक्स एंड फ्रॉग्स हैव वेब्ड फीट टू हेल्प देम स्वीप, यानी कि इनके फीट कैसे होते हैं? वेब्ड होते हैं, जिनकी वजह से वो स्विम करते हैं, यानी कि तैरते हैं पानी के अंदर। ठीक है, अजराफ हैज लॉन्ग नेक, अब इसकी स्पेशलिटी क्या है कि इसकी एक लंबी गर्दन होती है। अब लंबी गर्दन का क्या किरदार है? इट कैन ईट द लीव्स ऑफ टॉल ट्रीज, यानी कि जो दरख्त लंबे लंबे बड़े बड़े होते हैं ना, तो ये अपनी गर्दन लंबी होने की वजह से उन दरख्तों के पत्ते खा सकता है। ठीक है, अब हम लोगों ने आज की इस ये
रीडिंग से देखना है कि हम लोगों ने क्या क्या सीखा, ठीक है। तो ये हमारे आज के 3 टॉपिक्स हैं जो कि हम लोगों ने इस रीडिंग से सॉल्व करने हैं। तो चलते हैं हमारे टॉपिक्स की तरफ, हम लोगों ने रीडिंग के जरिए क्या क्या सीखा। तो हम लोगों ने पहले नंबर पे क्या सॉल्व करना है, ये आपके असेसमेंट शीट्स हैं, ठीक है, MCQs हैं। तो हम लोगों ने पहले क्या करना है, MCQs जो कि मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। सेकंड पे क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स, ये मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, तो हम लोगों ने यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। लास्ट पे क्या है, शॉर्ट क्वेश्चंस। तो हम लोगों ने ये 3 चीज़ें बुक पेज 32 और 33 को रीड करते हुए सॉल्व करनी है, ठीक है। क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, उनके आंसर लिखे हैं, तो आप लोगों ने क्वेश्चन आपके असेसमेंट शीट पर दिए गए हैं, तो आपने वहाँ से क्वेश्चन देखने हैं, यहाँ पर मैंने सिर्फ आंसर्स लिखे हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्या है हमारे पास, MCQs। तो फर्स्ट पे क्या है, एनिमल्स लिव ऑन, कि एनिमल्स रहते हैं, कहाँ रहते हैं। तो ये हमें पता है कि एनिमल्स कहाँ रहते हैं, तो हम लोग इसके ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, अर्थ, ज़मीन, बी लैंड। अर्थ तो पता है हम लोगों को क्या है कि एक सियारा है, ठीक है। उसके बाद ज़मीन, लैंड, इनके लैंड का मतलब क्या है, ज़मीन, वाटर, पानी, ऑल ऑफ दीज, या इन सब में। तो हमें पता है कि इसका राइट आंसर क्या है, हम लोगों ने पढ़ा था ना कि एनिमल्स लिव इन डिफरेंट प्लेसेस, यानी कि मुख्तलिफ जगहों में रहते हैं। तो इसका क्या है, पानी में भी रहते हैं, लैंड पे भी रहते हैं, तो क्या आएगा, अर्थ पर, तो वो ऑटोमेटिकली है, तो ऑल ऑफ दीज आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। सेकेंड हमारे पास क्या है, इंसेक्ट्स लिव इन, क्या है, इंसेक्ट्स लिव इन, इंसेक्ट्स कहाँ रहते हैं, हम लोगों ने ये रीडिंग में पढ़ा था, याद आया, शाबाश। देखें ज़रा आपको ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, इनमें से देखने से आपको पता चल जाएगा, ग्रास, कैन फ्लाई, ए एंड बी बोथ। तो हम लोगों ने यहाँ पर स्टेटमेंट देखनी है कि इंसेक्ट्स लिव इन, इंसेक्ट्स रहते कहाँ हैं, तो कहाँ रहते हैं, ये ग्रास में रहते हैं, ठीक है, हम लोगों ने ये रीडिंग में पढ़ा था। तो इसका राइट आंसर क्या है, ए ऑप्शन ए, जो कि क्या है, ग्रास, यानी कि घास पर रहते हैं। एनिमल्स लिव इन प्लेसेस, कौन सी प्लेसेस पर रहते हैं, हम लोगों ने ये मैंने फर्स्ट लाइन ऊपर रिवाइज की है ज़रा पहले, कौन कौन सी हैं, डिफरेंट, सेम, बोथ, ए एंड बी, या नन ऑफ दिस। तो हम लोगों ने क्या देखा था कि वो डिफरेंट प्लेसेस पर रहते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, डिफरेंट को टिक कर देना है। बर्ड्स हैव टू फ्लाई, अब परिंदों को उड़ने के लिए क्या चाहिए होता है, क्या रखते हैं परिंदे उड़ने के लिए, पीक। ये हम लोगों ने पढ़ा था रीडिंग में कि ये चूँच होती है जिसकी मदद से वो दूसरे वॉर्म्स का शिकार करते हैं, विंग्स, हाँ ये हो सकता है, क्योंकि विंग्स के जरिए परिंदे क्या करते हैं, उड़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ दीज इज यूज टू कैच वॉर्म्स, इनमें से कौन सा चीज़ है जो कि वॉर्म्स को कैच करने के लिए इस्तेमाल हो करते हैं परिंदे। तो हम लोगों ने ऊपर भी देखा है, इसका आंसर क्या है, विंग्स, सॉरी, कैच करने के लिए वो क्या करते हैं, यूज बीक, चूँच यूज़ करते हैं, ठीक है, चूँच की मदद से ही वो दूसरे वॉर्म्स का शिकार करते हैं। उसके बाद हमारे पास सेकंड हमारा टॉपिक क्या था, फिल इन द ब्लैंक्स। तो हम लोगों ने रीडिंग को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, उसको याद करते हुए, हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर सॉल्व करनी है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट पे क्या है, डैश मेक देयर नेस्ट इन ट्रीज, यानी कि कौन ऐसी चीज़ है जो कि अपने घोंसले जो है वो दरख्तों पर बनाते हैं, तो कौन बनाते हैं, शाबाश बताएं, बर्ड्स, कौन बनाते हैं, बर्ड्स अपने घोंसले दरख्तों पर बनाते हैं। एनिमल्स हैव डैश बॉडी पार्ट्स, यानी कि एनिमल्स के बॉडी पार्ट्स होते हैं, किस तरह से होते हैं, कैसे होते हैं, तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिखना है, डिफरेंट, यानी कि डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं, ठीक है। डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। उसके बाद क्या है हमारा, डक्स, एक मिनट, डक्स, डक्स एंड फ्रॉग्स हैव डैश फीट, हम लोगों ने पढ़ा था कि डक्स एंड फ्रॉग्स हैव वेब्ड फीट, तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिख देना है, वेब्ड फीट, ठीक है। ये मैं ऊपर थोड़ा लिख रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ लग जाए कि ये इसका आंसर ही है, ठीक है, वेब्ड फीट। उसके बाद हमारा लास्ट क्या है, डैश हैज़ अ लॉन्ग नेक, तो हमें पता है कि लॉन्ग नेक किसकी है, हम लोगों ने पढ़ा था ना, तो क्या है इसका राइट आंसर, आर जिराफ हैज़ लॉन्ग नेक, ठीक है। तो ये थी हमारी फिल इन द ब्लैंक्स। आगे हमारे पास क्या हैं आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चंस, तो जो कि मैंने सिर्फ यहाँ पर उनके आंसर्स लिखे हैं, क्वेश्चन आप लोगों ने अपने असेसमेंट शीट से देखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेयर डू एनिमल्स लिव,
कि एनिमल्स यानी कि जानवर कहाँ रहते हैं, तो हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि वो डिफरेंट प्लेसेस पर रहते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, एनिमल्स लिव इन डिफरेंट प्लेस, ठीक है। उसके बाद क्या है सेकंड क्वेश्चन, व्हाई जिराफ हैज़ अ लॉन्ग नेक। हम लोगों ने देखा था ना कि एक जिराफ जो है वो क्यों लॉन्ग नेक रखता है, तो हम लोगों ने रीडिंग में पढ़ा था ना कि एक जिराफ की नेक जो है वो लंबी क्यों होती है, उसका क्या फ़ायदा है। जिराफ हैज़ अ लॉन्ग नेक टू ईट द ट्रीज ऑफ ऑल ट्री लीव्स ऑफ ऑल ट्रीज, यानी कि तमाम दरख्तों के वो पत्ते खा सके, क्योंकि कुछ दरख्तों के साइज होते हैं वो छोटे होते हैं और कुछ बड़े रखते हैं, तो इसलिए उनकी लंबी नेक जो है वो उनके जो दरख्त की हाइट ज़्यादा होती है उनके पत्ते खाने में उनकी मदद करती है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या है, डक्स एंड फ्रॉग्स हैव वेब फीट वाई, कि क्यों रखते हैं वो वेब फीट, वेब फीट का क्या रोल है यहाँ पे। डक्स एंड फ्रॉग्स हैव वेब फीट टू हेल्प देम स्विम, यानी कि जो वेब फीट हैं उनको पानी के अंदर तैरने में उनकी मदद करते हैं, ठीक है। इस तरह से ये इनका क्या है, स्पेशल पार्ट भी है और ये इनकी लाइफ में बहुत अहम है, ठीक है। स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आ गई होगी इस लेक्चर की, और आप लोगों की जो असेसमेंट शीट्स हैं वो भी सॉल्व की हुई हैं यहाँ पर, उनके आंसर मौजूद हैं, तो आप लोगों ने उनको करना है, ठीक है, सॉल्व। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।